नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। अगर कोई लड़की छोटे कपड़े पहनती है, यानी ऐसे कपड़े जिनमें उस लड़की को देखकर किसी शख्स में वासना पैदा होती है और वो शख्स उस लड़की को छेड़ता है, तो गुनाह उस शख्स का नहीं जिसने छेड़खानी या जबरदस्ती की है, गुनाह तो उस लड़की का है जिसे देखकर वो शख्स अपना आपा खो बैठता है। ये कहना हमारा नहीं है, ये कोर्ट का है। दरअसल केरल के कोझिकोड जिले की एक कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामले में जो टिप्पणी की है उसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बता दें कि कोर्ट ने एक आरोपी को अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि अगर महिला उकसाने वाली ड्रेस पहनती ही तो फिर उसके साथ बदसलूकी करने वाले आरोपी पर IPC सेक्शन 354 के तहत यौन उत्पीड़न का केस नहीं बन सकता। जस्टिस एस कृष्ण कुमार ने एक्टिविस्ट और लेखक सिविक चंद्रन को अग्रिम जमानत देते हुए ये बात कही। सिविक चंद्रन पर 2 साल पहले एक लेखिका से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था। कोर्ट की टिप्पणी पर महिला एक्टिविस्ट और पूर्व जजों ने आपत्ति जाहिर की है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपत्ति जताने वालों ने मांग की है कि इस मामले में अब हाई कोर्ट को दखल देना चाहिए। वहीं पीड़िता ने यह भी कहा है कि वो जल्द ही हाई कोर्ट का रुख करेगी। दरअसल चंद्रन को जमानत देते हुए जज ने कहा कि आरोपी की तरफ से अपने आवेदन के साथ जो तस्वीरें दी गई हैं उससे पता चलता है कि शिकायतकर्ता ने ऐसी ड्रेस पहन रखी थी जो उकसाने वाली थी। ऐसे में सेक्शन 354 के तहत आरोपी के खिलाफ केस नहीं बनता है। वहीं केरल के कोझिकोड जिले की कोर्ट के जज द्वारा दिए गए इस बयान पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जमकर बरसी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केरल के कोर्ट ने यह कहा है कि यौन शोषण की कंप्लेंट मान्य नहीं होगी अगर लड़की ने उत्तेजित करने वाले कपड़े पहने हुए हैं, सेक्सुअली प्रोवोकेटिव कपड़े पहने हुए हैं, हद होती है। अगर जज ये बात बोलेंगे तो एक आम इंसान क्या भाषा बोलेगा। मुझे एक बात बताइए, एक 8 महीने की बच्ची के साथ दिल्ली में बलात्कार हुआ था, उसने एक छोटा सा फ्रॉक पहना था, क्या उसके कपड़े भी उत्तेजित करने वाले थे? कौन निर्णय लेगा कि कौन से कपड़े उत्तेजित करते हैं और कौन से कपड़े सभ्य हैं? मेरे हिसाब से ये जो मानसिकता है हमारे देश में, जो कि पीड़िता उसी को ब्लेम करती है उसके साथ जो यौन शोषण होता है, ये बंद होना चाहिए। मैं अपील करती हूँ केरला हाई कोर्ट से कि इस मामले में तुरंत संज्ञान लें और तुरंत कुछ एक्शन करवाएं। इस फैसले पर सवाल खड़े करते हुए पीड़िता के करीबियों का कहना है कि ये चौंकाने वाली बात है कि सोशल मीडिया की कुछ तस्वीरों को कोर्ट में पेश कर दिया गया है और कोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया। सिविक चंद्रन द्वारा दिए गए यौन उत्पीड़न के उस मामले में कोर्ट ने यह भी पूछा कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज किए जाने में इतनी देरी क्यों हुई? मामले में प्राथमिकी 2 साल बाद दर्ज क्यों हुई जबकि घटना फरवरी 2020 की है? शिकायतकर्ता महिला का कहना है कि लेखकों का एक सम्मेलन हुआ था और उसी में ये घटना हुई थी। अपनी शिकायत में महिला ने यह भी कहा कि आरोपी लेखक उसे अक्सर फोन करके परेशान करता था। लेखक ने जब सारी हदें पार कर दी तो फिर उस महिला ने शिकायत दर्ज कराने का निर्णय लिया। वहीं कोर्ट ने आरोपी की आयु और उनकी शारीरिक स्थिति का भी हवाला दिया है। अदालत का कहना है कि अगर ये मान लिया जाए कि शारीरिक संपर्क हुआ था तो इस पर यकीन करना मुश्किल है कि 74 वर्ष की आयु और शारीरिक रूप से दिव्यांग शख्स कैसे किसी के साथ जबरन अश्लील हरकत कर सकता है। अब आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़।